Hi everyone. Welcome to Social Studies class. Today in this video I would be starting off new topic that is the equatorial region. So, let's get started. First we will find out what is the equatorial region. The equatorial region lies in and around the equator constituting the torrid zone of the earth. इक्वेटोरियल रीजन हमारी अर्थ के टोरिट जोन यानी इक्वेटर के आसपास पड़ने वाला हिस्सा है मीन्स जितनी भी कंट्रीज इक्वेटर के एरिया में पड़ती हैं वो सारा एरिया इक्वटोरियल रीजन कहलाता है इक्वटोरियल रीज़न्स आर लोकेटेड इन अ बैंड अराउंड द इक्वेटर एंड कवर अबाउट सिक्स परसेंट ऑफ द अर्थ सरफेस इक्वेटोरियल रीजन हमारी अर्थ का सिक्स परसेंट हिस्सा कवर करता है दे आर ऑफन इन लो लैंड एरियाज एंड हैव अ क्लाइमेट दैट इज हॉट एंड वेट ऑल ईयर अराउंड। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ग्रो इन द इक्वेटोरियल रीजनस इस रीजन में काफ़ी गर्मी होती है और ऑलमोस्ट पूरे साल बारिश होती है इन एरियाज में जितने भी फॉरेस्ट होते हैं उन्हें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलते हैं नाउ वॉट इज रेन फॉरेस्ट रेन फॉरेस्ट कैन बी डिस्क्राइब इट इज कॉल्ड अ रेन फॉरेस्ट इज बिकॉज ऑफ द हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल दिस रीजन गेट्स थ्रू आउट दाउ लेट्स टॉक अबाउट दोकेशन ऑफ द इक्वेटोरियल रीजन The equatorial region is located between the equator and the Tropic of Cancer in the northern hemisphere, and between the equator and the Tropic of Capricorn in the southern hemisphere. As you can see here, all areas covered with the coloured band on the map given in this slide constitute the equatorial region. Equator see upper northern hemisphere. To, और इक्वेटर से नीचे सदर्न हेमस्फियर तक का पूरा हिस्सा इक्वेटोरियल रीजन कहलाता है लोकेटेड इन टॉरिड ज़ोन, द रीजन रिसीव्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन थ्रू आउट द ईयर टॉरिड जोन में या इक्वेटर की लोकेशन में होने की वजह से इक्वेटोरियल रीजन पर पूरे साल डायरेक्ट सन रेज पड़ती है फॉर एग्जाम्पल द Amazon basin South America the Congo basin Africa and some regions of Asia are located in equatorial regions Time to talk about the climate of equatorial region The equatorial region has a tropical climate with high temperatures and high humidity The climate remains hot and wet throughout the year इक्वेटोरियल रीजन का टेम्परेचर हाई रहता है और यहाँ काफ़ी ह्यूमिडिटी भी होती है इसीलिए यहाँ पूरे साल गर्मी और बारिश का मौसम रहता है द रीजन रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एंड हैज़ एकवल डेज एंड नाइट्स एंड डॉट एक्सपीरियंस डिफरेंट सीजन इन ईयर इस रीजन में लोग इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स यानी जितने घंटे का दिन उतने ही घंटे की रात एक्सपीरियंस करते हैं और पूरे साल ऑलमोस्ट सेम पैटर्न का सीजन एक्सपीरियंस किया जाता है द एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स इन द क्लाउड्स थ्रू आउट द डे ड्यू टू हाई टेम्परेचर लीड्स टू हेवी रेनफॉल इन द आफ्टरनून द स्प्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर एंड मेक्स द इवनिंग्स एंड नाइट्स कूलर इस एरिया में हाई ह्यूमिडिटी की वजह से वाटर ड्रॉपलेट्स एक्यूमुलेट करते हैं क्लाउड्स में

so these thick forest always remain green and are also known as evergreen forest यहाँ पर कई वरायटी के प्लांट्स एंड ट्रीज देखने को मिलते हैं सारे ट्रीज एक ही टाइम पर लीव नहीं शेड करते हैं जिसके कारण फॉरेस्ट हमेशा ग्रीन ही देखने को मिलते हैं और इसीलिए इन्हें एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है द दमेजन रेन फॉरेस्ट इज द लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट इन दर्ल्ड इट इज़ होम टू डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स रेप्टल्स इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स Amazon rainforest दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट माना जाता है और यहाँ पे अनेकों प्रजाति के प्लान्टेपटाइल्स बर्ड्स और इंसेक्ट्स पाए जाते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट आर डेंस फॉरेस्ट कंटेनिंग एवरग्रीन ट्रीज एवरग्रीन फॉरेस्ट काफी डेंस मींस बहुत घने होते हैं लेट्स टॉक अबाउट सम मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू वेजिटेशन ऑफ द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट द प्लांट्स इन दिस फॉरेस्ट ग्रो इन सेवरल लेयर्स द टॉल इमर्जेंट ट्रीज फॉर्म द टॉप मोस्ट लेयर विद क्राउन्स फॉर्मिंग द कैनोपी लेयर The smaller trees and thick shrubs form the third layer which is known as the understory. The forest floor is so densely populated with a variety of climbers and creepers that it becomes difficult to walk through these forests. Here, bacteria and fungi decompose the remains of plants and animals enriching the soil for the plants and thus help the plants sustain themselves. यहाँ पर पाए जाने वाले प्लांट्स अलग अलग लेयर्स में ग्रो करते हैं सबसे टॉल और टॉप मोस्ट लेयर को इमरजेंट लेयर बोलते हैं उसके बाद कैनोपी लेयर आती है तीसरे नंबर पर श्रब्स आती है जिन्हें हम अंडर स्टोरी भी कहते हैं और लास्ट लेयर को फॉरेस्ट फ्लोर कहा जाता है ये इतने ज़्यादा घने होते हैं कि यहाँ चलना भी मुश्किल हो जाता है let's find out all about the wildlife of equatorial region the equatorial rainforests have a rich wildlife covering only 2% of the earth's surface the rainforests are home to 10% of the mammals and 20% of the birds on the planet equatorial region hamari earth 2% area cover karta hai, or is 2% may हमारे प्लैनेट के टेन परसेंट मैमल्स एंड ट्वेंटी परसेंट बर्ड्स रहते हैं मेनी स्पीशीज ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग गोरिल्लास, चिमपैंजीज मंकीज लेम्स मार्मोसेट्स फ्लाइंग स्कोर बैट्स एंड रेप्टाइल्स, सच एज क्रोकोडाइल्स एलिगेटर्स स्नैक्स एंड लिजर्ट्स एंड हिपोपोटम्स एंड जेगवर्स आर इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस फॉरेस्ट The rainforest also have an amazing population of birds, giraffes, antelopes and butterflies. Let's find out about the life of people living in rainforest. The rainforests are sparsely populated. Sparsely means kam ghana ya zada abadi Nahuna. The people that live here belong to different tribes who are either hunter gatherer और फार्मर्स यहाँ पर रहने वाले लोग अलग अलग जनजातियों के होते हैं और या तो हंटर गैदर होते हैं या फार्मर्स दिगमीज स्टे इन द कॉन्गो रीजन द सिम्बाग्स इन मलेशिया एंड दानोमनो इन ब्राज़ील ये तीन ट्राइब्स हैं जो कॉन्गो मलेशिया और ब्राज़ील में पाई जाती हैं मोस्ट ट्राइब्स प्रैक्टिस स्लैश इन बॉन एग्रीकल्चर और शिफ्टिंग कल्टिवेशन द्लियर पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट बाई बॉय फर्टिलिटी दे मूव टू अंट प्लेस एंड रिपीट द सेम प्रोसेस यहाँ पर रहने वाले लोग शिफ्टिंग कल्टिवेशन या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं इस तरीके के एग्रीकल्चरल प्रोसेस में पहले फॉरेस्ट के लार्ज एरिया को जलाकर साफ किया जाता है और फिर उसमें कल्टीवेशन किया जाता है और जब धीरे धीरे कुछ सालों में सॉइल की उपजाऊ क्षमता कम या खत्म हो जाती है तो वो दूसरे एरिया में शिफ्ट करते सेम प्रोसेस को रिपीट करते हैं इन रीसेंट टाइम्स लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट दे कैन बी कल्टीवेटेड पिछले कुछ सालों में फॉरेस्ट के काफ़ी बड़े एरिया को क्लियर किया गया है जिससे कल्टीवेशन पॉसिबल हो सके द मेन फूड क्रॉप्स ग्रोन हेयर आर राइस कसावा एंड मेज़ यहाँ पे मेन फूड क्रॉप्स राइस कसावा और मेज़ उगाए जाते हैं द कैश क्रॉप्स ग्रोन आर कोकोआ कॉफी टोबैको कॉटन रबर एंड ऑयल पाम समीज कैश क्रॉप्स आर ऑल्सो एक्सपोर्टेड यहाँ पर कैश क्रॉप्स के नाम पर कोकोआ कॉफी टबैको कॉटन रबर एंड ऑयल पाम उगाया जाता है द इक्वेटोरियल एरियाज आर रिच इन मिनरल इक्टोरियल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ द कॉन्गो प्रीवियसली नोन एज एजरे लाइज इन द इक्वेटोरियल रीजन इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका It is located in Central Africa and its capital is Kinshasa. Democratic Republic of the Congo, Africa ki second largest country hai, or is capital hai Kinshasa. Lying in the Congo River basin, the country is flanked by the Ronzuri mountain range in the northeast and four major lakes along its eastern boundary. The Congo River is also known as the Highway of Central Africa. The Democratic Republic of the Congo enjoys a hot, humid, equatorial climate with heavy rainfall throughout the year. Its thick, evergreen rainforests are home to a rich wildlife with elephants, gorillas, baboons, chimpanzees, antelopes, to name a few. लेट्स टॉक अबाउट सम मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ द कांगो द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफ द पीपल इज एग्रीकल्चर द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ द कांगो इज़ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर एंड कोबाल्ट इन वर्ल्ड। विश्व में द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की गिनती मेजर प्रोड्यूसर्स में की जाती है कॉपर एंड कोबेल्ट के लिए यहाँ पे रहने वाले लोगों का मेन Livelihood here, agriculture. Pygmies live in ituri forest in huts and lead a primitive lives. Today, most of the population in Congo is made up of Bantu ethnic group. They speak Bantu language. The Democratic Republic of the Congo faces problems like poverty and illiteracy. The country's thick rainforests are depleting due to illegal logging of trees for timber. So that's all for today. I would be uploading my next video very soon. Thank you.